गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन, आप सभी को प्रणाम। गुरुदेव के प्रवचन है भक्ति एक दर्शन एक विज्ञान। आज हम गुरुदेव के अमृत वचन का श्रवण करेंगे। सबसे पहले गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव कहते हैं, देवियों भाइयों, जब स्वाति नक्षत्र आया और स्वाति नक्षत्र में वर्षा हुई, बरसात से सीपों में मोती पैदा हो गए, बांसों में वंशलोचन पैदा हो गए, सबने खुशी मनाई। लेकिन बहुतों ने ये शिकायत की कि हमारे अंदर मोती क्यों नहीं पैदा हुए। थोड़ी सी सीपों के अलावा सभी सीपें इकट्ठी होकर जमा हो गई और शिकायत करने लगी कि हमारे अंदर मोती पैदा क्यों नहीं हुए, हमारी पुकार को क्यों नहीं सुना। स्वाति की बूंदों ने जवाब दिया कि आप में से जिन सीपियों ने मुंह खोल कर रखा था और जिन सीपों में मोती पैदा करने की ताकत थी, उनको हमारी सहायता मिली और मोती पैदा हो गए। जिन सीपों की बनावट ऐसी नहीं थी कि उनमें मोती पैदा किए जा सके, और जिन सीपों ने मुंह नहीं खोले थे, वे खाली हाथ ही रह गई और खाली हाथ रहना पड़ेगा। जिन बांसों के पेड़ों के अंदर सुराख नहीं थे, उनमें वंशलोचन पैदा नहीं हो सका। पेड़ों की शिकायत अपनी जगह पर कायम और स्वाति बूंदों की सफाई अपनी जगह पर कायम। ये शिकायतें तो होती रहेंगी और होती रहनी चाहिए कि हमने भगवान की भक्ति की, पूजा की, उपासना की, जब अनुष्ठान किए, फिर भी खाली हाथ रह गए। शिकायतें अपनी अपनी जगह पर सही और जवाब एवं समाधान अपनी जगह पर सही हैं। आपने मुंह क्यों नहीं खोला है, अपने अंदर विशेषता पैदा क्यों नहीं की, जिससे हम हमारी स्वाति की बूंदें तुम्हारे अंदर प्रवेश करने के बाद में मोती बना देने में समर्थ होती, तुमने ये क्यों नहीं किया। आगे गुरुदेव कहते हैं, मित्रों, एक बार बहुत जोर से वर्षा हुई, सब जगह पानी ही पानी दिखाई देने लगा, लेकिन चट्टानों ने शिकायत की कि हमको इस पानी से कुछ भी फायदा ना हो सका। वर्षा ने हमारे साथ अन्याय किया, पक्षपात किया, हजारों वर्षों में एक भी घास पैदा नहीं हो सकी। हजारों इंच वर्षा हो गई, पर घास का एक तिनका तक पैदा नहीं हुआ, तो क्या ये शिकायत गलत है? बिल्कुल सही है, 100% सही है। ये बादलों का बड़ा अन्याय व पक्षपात है। वे कहीं हरियाली पैदा करते हैं, कहीं तालाब बना देते हैं, लेकिन इन चट्टानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। क्यों साहब, ये शिकायतें सही हैं? हाँ, शिकायतें तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा सही है। आपने अपने अंदर मुलायमियत पैदा नहीं की। अपने अंदर गड्ढे बनाए होते तो हमने आपके भीतर तालाब, झरने, गड्ढे भर दिए होते। आप क्यों नहीं अपने भीतर गड्ढे बनाते? साथियों, समाधान अपनी जगह पर सही है, भगवान अपनी जगह पर सही है और भक्त अपनी जगह पर सही है। हमने आपका जप, ध्यान, पूजन, अनुष्ठान किया, भजन किया, वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब पूजन किस काम के लिए किया जाता है, वह काम आपने क्यों नहीं किया? तो आपको रिझाने के लिए कौन सा काम किया जाता है? नाच कूद करते तो हैं भगवान को रिझाने के लिए, लेकिन नाच कूद करने की जरूरत नहीं है। आपका नाच कूद देखने के लिए भगवान को फुर्सत नहीं है। अब तो मैं ये कहता हूँ कि भगवान जी को झक मार कर हमारे चरण चूमने पड़ते, जैसे कि हम भगवान जी के चरण चूमते हैं। आप भगवान को मजबूर कीजिए, भगवान पर दबाव डालिए और भगवान को विवश कर दीजिए, लाचार कर दीजिए इस बात के लिए कि वे आपकी मदद करें और सहायता करें। आप भगवान को लाचार कीजिए। आप भगवान को लाचार क्यों नहीं करते? अपने चरित्र के द्वारा, अपने गुण, कर्म और स्वभाव के द्वारा। वास्तव में भक्ति का सारा आधार जो खड़ा हुआ है, वह भगवान के ऊपर दबाव डालने के लिए नहीं है, वरन अपने ऊपर दबाव डालने के लिए है। भक्ति अपने भीतर प्यार और मोहब्बत जगाने के लिए की जाती है। साथियों, हमारे भीतर प्यार का मादा जगे, हमारे भीतर मोहब्बत का मादा जगे, तो समझना चाहिए कि हमारे भीतर भक्ति का विकास हो रहा है। अभी तो हमारा दिल पत्थर जैसा कठोर, चट्टान जैसा कठोर है।
जिसके कारण हमको किसी के ऊपर दया नहीं आती, हम किसी के दुख से पिघलते नहीं, क्योंकि मुर्गी मरती है तो मरे, हमको तो जायका चाहिए, जीव को जायका चाहिए। अरे साहब, मुर्गी की जान चली जाएगी तो हमें कोई ऐतराज नहीं, जान निकलती रहे, आप हमको विटामिन लाकर दीजिए। बेटे, हम पत्थर के बने हुए हैं, कठोर बने हुए हैं, हम चट्टान हो गए हैं, हमें किसी के ऊपर दया धर्म करने की जरूरत नहीं। हमारे पड़ोस के आदमी दुखी फिरते रहे तो फिरें, हम क्या कर सकते हैं। दूसरों को हमारी सेवा की जरूरत है तो हम क्या कर सकते हैं। हमारा पैसा जो अय्याशी में खर्च होता चला जा रहा है, जो संग्रह में खर्च होता चला जा रहा है, जो निठल्ले और निकम्मों के लिए जमा होता हुआ चला जा रहा है, आपकी एक एक पाई की उन लोगों के लिए जरूरत है जो पिछड़ गए हैं, जो घायल होकर गिर पड़े हैं, उन्हें आपके पैसे की जरूरत है। नहीं साहब, हम तो अपना पैसा किसी को नहीं दे सकते, हम तो जमा कर सकते हैं और अपनी औलाद को दे सकते हैं। अरे, तू पत्थर का, चट्टान का बना हुआ है, फौलाद का बना हुआ है, ऐसी धातु का बना हुआ है जिसे हम अष्ट धातु कह सकते हैं। तेरा कलेजा अष्ट धातु का बना हुआ है, फौलाद का बना हुआ है। जिसका दिल फौलाद और अष्ट धातु का बना हुआ है, उन्हें किसी के ऊपर दया नहीं आती, वे सेवा करने के लिए जरा भी तैयार नहीं होते, अपनी धुलाई और सफाई करने के लिए तनिक भी विश्वास नहीं करते। मित्रों, मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये भक्ति है। तो ये है गुरुदेव के प्रवचन भक्ति, एक दर्शन एक विज्ञान। गुरुदेव ने कहा है एक जगह कि जिस प्रकार से पुष्पों का सार शहद है, दूध का सार घृत है, उसी प्रकार से समस्त वेदों का सार गायत्री है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।